आप ये देखें 2008 मुंबई अटैक के 4 दिन बाद हम लोग अपनी अपनी जिंदगियों में लौट गए, कोई धरना वरना कुछ नहीं लगा, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। अगर आज मुंबई हुआ होता जंग के दहाने पे खड़े होते हम। ये फर्क है पहले की हुकूमतों में और मोदी साहब में। चल अजगर खान साहब ने अपनी किताब में और टीवी इंटरव्यूज में बहुत बार ये बात कही है, जंग चाहे 48 की हो 65 की हो, सारी जंगे पाकिस्तान की तरफ से हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं लाहौर के पास ही एक गांव में गया था, छोटा सा गांव है, लोगों ने मुझसे पूछा कि अरविंद हम मोहब्बत चाहते हैं, अमन चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, तो आप बस ये कश्मीर का ही जो मसला है इसको हल कर दें, तो उसके बाद में तो हम एक ही लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना फिर वही होगा जो आज तक होता आया है। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है आज तक, वो कहते हैं वो ये हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। मुझे हैरानी हुई आपकी ये बात सुनकर वहां की सिविल सोसाइटी की। मैंने उन्हें 3-4 आर्टिकल बीबीसी के दिए, मैंने कहा आप जरा इसे पढ़ें कि दुनिया क्या कहती है इन जंगों के बारे में। तो उन्होंने कहा बेटा ये तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी तो नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने कहा कि अपने बच्चों को बुलाएं, उनसे वो आपको बता देंगे। कहते नहीं बेटा यहाँ तो अंग्रेजी नहीं, कोई नहीं पढ़ता है। मैंने कहा फिर मेरी गलती हो गई है, वाकई में चारों जंगे आप ही जीते हैं। देखें जी कश्मीरियों का सबसे बड़ा जो शिकवा होना चाहिए वो आप लोगों से होना चाहिए, वो तो आजादी थे, ना आप कबायली हमला करते, ना आज ये नौबत यहाँ आती। पाकिस्तान ने हमेशा जंग बंदी अमन मुज़ाकरात की बात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत एक कदम बढ़ाए, हम दो बढ़ाने को तैयार हैं। भारत कश्मीर में जुल्म ख़त्म करे, पाकिस्तान हाथ आगे बढ़ाने को तैयार है। भारत मकबूजा कश्मीर में कैद जो कश्मीरी हैं उनको आज़ाद करे, जिनको काले कानून PDA के तहत बिना किसी जवाब 2 सालों के लिए गिरफ्तार किया जाता है। पाकिस्तान कदम बढ़ाने को तैयार है। भारत कश्मीर से फौज जो जाली ऑपरेशन करके कश्मीरी नौजवानों का खून बहा रही है उसे बाहर निकाले, पाकिस्तान हाथ बढ़ाने को तैयार है। भारत आर्टिकल 370 को खत्म करने का गैर कानूनी फैसला वापस ले, पाकिस्तान हाथ बढ़ाने को तैयार है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, पूरी दुनिया जानती है। मकबूजा कश्मीर पे आपका बकायदा कब्जा है और बकायदा नाइंसाफी जुल्म की दास्तानें वहाँ रकम की जाती हैं। फिर आप लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कश्मीर हमारी शहरग है और कश्मीर को आप कहते हैं कि जी कश्मीर को आप पता नहीं ना जाने क्या कहते हैं, अटूट अंग है हमारा, अटूट अंग के अंग अंग में गोलियां आप लोग चलाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आपके कॉल फेल में इतना तजाद है, वो आपके साथ रहना नहीं चाहते, फिर भी आप उन पर बाकायदा काबिज हैं। आप लोग उनकी राय नहीं जानते, उनकी राय को जानी चाहिए, हक़ खुदरादियत उनको देना चाहिए। उनकी राय जानने से, हक़ खुदरादियत देने से आप लोग क्यों इतना घबराते हैं? और आज़ाद कश्मीर में भी जो चल रहा है आपके सामने है, क्या चाहती है आपकी गवर्नमेंट, क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी, क्या एजेंडा है उनका? जी सबसे पहले तो आपने मुझे प्रोग्राम में दावत दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल का जवाब दूं, उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों ने हिंदुस्तान देखा है, मगर मैंने पाकिस्तान देखा है जी। और जब मैं पाकिस्तान के लिए, मैंने बताया अपने पेरेंट्स को कि लाहौर जा रहा हूँ, तो वालिद साहब तो कह रहे थे ठीक है भाई चले जाओ, जैसे ज़्यादातर बाप होते हैं उनको इतनी परवाह नहीं होती। माँ थोड़ी सी घबराई, फिर वो 10 मिनट बाद मेरे कमरे में आई और उन्होंने आके अच्छा। मुझसे कहा कि बेटा माँ तो वहां भी माँ ही होती होगी। मैंने कहा जी ऐसा ही है मम्मी। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम जाओ, फिर कोई बात नहीं है। तो पाकिस्तान से लौटने के बाद वहां पर जो मैंने वक्त गुजारा उसके बारे में मैंने अपने लोगों को बताया। सबने मुझसे पूछा कि भाई बताओ कैसा है पाकिस्तान, तो मैंने ये कहा कि वहां पर भी जो माँ है वो भी वही ख्वाब देखती है अपने बच्चों के लिए जो हमारी माएं हमारे लिए देखती है। वहां भी माँ चाहती है कि उसके बच्चे के पास अच्छा रोजगार हो, उसे अच्छी तालीम मिले, वो दुनिया में तरक्की करे, उसकी शादी हो और वो फूले फले। मेरी माँ जो मेरे लिए ख्वाब देखती है, पाकिस्तान की हर माँ अपने बच्चे के लिए वही ख्वाब देखती है। वो ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा कब तालीम खत्म करके और जिहाद पर चला जाए। तो ये हमारे दरमियान जो मिसकंसेप्शंस हैं, मैं समझता हूं पाकिस्तान इज अ हाईली मिसअंडरस्टूड कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। आपने जिस तरह से इंट्रो दिया वहां से बात करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास तौर से जब आप चाहते हो कि अमन की बात कर रहे हैं कुछ और। मुझे ऐसे लगा कि मानो आप गौरी गजनवी अब्दाली सारे ही हमारे ऊपर ठोक रही हो एक के बाद एक। अब आते हैं आपके सवाल के जवाब। अच्छा एक मिनट सॉरी अरविंद, मैं आपकी बात को काट रही हूँ, आगे मैं आपके तरफ आती हूँ। आप सवाल के जवाब की तरफ आइएगा। आप अमन की बात कर रहे हैं,
हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बकायदा बार बार अमन की पेशकश की, हम बार बार बात ऐसे करते हैं कि हम अमन की बात करना चाहते हैं, हम मसला कश्मीर को भी टेबल पे बैठ के हल करना चाहते हैं, अमन से कौन दूर भागता है? इंतजार पसंद कौन है? इतनी गर्म दिमाग और गर्म सोच कौन रखता है? आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपने सवाल पूछ लिया, मुझे जवाब इसका मुकम्मल देने दें आप प्लीज। तो आपने कह दिया कि मोदी साहब नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान की तारीख मोदी साहब से शुरू नहीं होती, हिंदुस्तान की तारीख उससे पहले की भी है, 2014 से पहले का भी एक हिंदुस्तान है। अतर काजमी साहब अभी कह रहे थे कि जी एक रिजीम चेंज की जरूरत है और ये रिजीम से बात नहीं हो सकती। फर्क सिर्फ इतना है कि इस रिजीम ने भी आने के बाद में अपनी तरफ से पाकिस्तान को हो या फिर हमारे यहाँ पे हुर्रियत के जो लीडर्स हो उनको रीच आउट करने की कोशिश की है। सैयद अली गिलानी को मोदी साहब ने इलेक्ट होने के बिल्कुल फौरी तौर पर, उन्होंने हलफ भी नहीं लिया था उससे पहले, उन्होंने अपने दो एमिसरीज भेजे बातचीत के लिए और उनसे ये कहा कि अगर आप कश्मीर पर कोई हमसे कमिटमेंट चाहते हैं तो हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, आए बैठें। ये मोदी साहब का जेस्चर तब है कि जब उन्होंने ओथ भी नहीं ली है अपनी। तो गिलानी साहब बकौल उनके वो खुद कहते हैं कि मैंने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया, और वो इसलिए कि मोदी साहब का ताल्लुक आरएसएस से है, जैसा कि आपके अभी जो मेहमान थे अतर काजमी साहब वो कह रहे थे, वो कहते हैं वो उनका ताल्लुक आरएसएस से है इसलिए मैंने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। कितनी अजीब बात है, वो इंसान जिसका ताल्लुक जमाते इस्लामी से हो उसे इस बात पर एतराज है कि सामने वाला आरएसएस से है, ये क्या बात हुई? देखें जी, आपको मैं ये बता दूं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अच्छे भी रहे हैं, बुरे भी रहे हैं, हमने बहुत अच्छा वक्त भी देखा। आज बदकिस्मती से जो वक्त है वो मैं समझता हूं कि मेरे देखने में इतना बुरा वक्त तो कारगिल वॉर के दौरान भी नहीं था। मैं चाहता हूं कि एक सीरियसनेस हो पाकिस्तान की तरफ से डायलॉग में कोई इंटेंट हो, इशू बेस्ड हो और वो मीनिंगफुल हो। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तरफ से जो डायलॉग की पेशकश है उनमें ये तीनों चीजें हैं। ये मैं मुझे 10 सेकंड और दें, आप अपनी बात अतर में आपसे सारा जवाब लेंगे आपकी बारी पर। मोदी साहब से जब आप कोई फरमाइश करते हैं तो उससे पहले ये याद रखें कि मोदी साहब ने आपके आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को बुलाया अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में, वो लाहौर भी गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पठानकोट हुआ, उसके बाद में उड़ी हुआ, उसके बाद में पुलवामा हुआ। आज इंडिया के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर सेंटिमेंट है और वो ये है कि यहाँ के लोगों ने ये कर दिया है कि टॉक्स एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर। मैं जब पाकिस्तान आ रहा था तो लोगों ने मुझसे कहा कि भाई हमें पता चले, मेरे इलाके के जो लोग हैं दे केम टू मी एंड दे सेड कि हमने सुना है तुम कल पाकिस्तान जा रहे हो, तो मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा हमारा एक पैगाम लेते जाना, उनसे ये कहना कि अब हमने मार खाना बंद कर दिया है। आप ये देखें 2008 मुंबई अटैक के 4 दिन बाद हम लोग अपनी अपनी जिंदगियों में लौट गए, कोई धरना वरना कुछ नहीं लगा, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। अगर आज मुंबई हुआ होता जंग के दहाने पे खड़े होते हम। ये फर्क है पहले की हुकूमतों में और मोदी साहब में। हम आए यूएन रेजोल्यूशन के ऊपर जिसका हवाला पाकिस्तान बार बार देता है, बार बार हम पाकिस्तान से ये सुनते हैं कि जी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात वहां पे होती है, कहते हैं जी कश्मीरियों को उनका जो है वो राइट मिलना चाहिए कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 47 है, आप उसको अगर पढ़ें तो उसमें 3 बातें लिखी हुई हैं कि वहां पर राय शुमारी जो होगी वो क्या उसका चार्टर होगा, किस तरह से वो होगी। पहली शर्त ये है कि पाकिस्तान को अपने यहां से सारी फोर्सेस और सारे जितने भी नॉन कश्मीरी हैं उनको बाहर निकालना होगा। सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान को ही अपनी फोर्सेस क्यों निकालनी पड़ेंगी, तो उसका जवाब ये दिया गया कि पाकिस्तान हैज बीन लेबल्ड एज एन अग्रेसर ऑन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोग तो आजाद ही थे जी, आप ही ने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया उनके साथ और आप ही ने उसका वायलेशन भी किया। एयर मार्शल अशगर खान साहब ने अपनी किताब में और टीवी इंटरव्यूज में बहुत बार ये बात कही है, जंग चाहे 48 की हो, 65 की हो, सारी जंगें पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं लाहौर के पास ही एक गांव में गया था, छोटा सा गांव है, लोगों ने मुझसे पूछा कि अरविंद हम मोहब्बत चाहते हैं, अमन चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, तो आप बस ये कश्मीर का ही जो मसला है इसको हल कर दें तो उसके बाद में तो हम एक ही लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वरना फिर वही होगा जो आज तक होता आया है। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है आज तक, वो कहते हैं वही हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। मुझे हैरानी हुई आपकी ये बात सुनकर वहां की सिविल सोसाइटी की। मैंने उन्हें 3-4 आर्टिकल बीबीसी के दिए, मैंने कहा आप जरा इसे पढ़ें कि दुनिया क्या कहती है इन जंगों के बारे में। तो उन्होंने कहा बेटा ये तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी तो नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने कहा कि अपने बच्चों को बुलाएं, उनसे वो आपको बता देंगे। कहते नहीं बेटा यहाँ तो अंग्रेजी नहीं, कोई नहीं पढ़ता है। मैंने कहा फिर मेरी गलती हो गई है, वाकई में चारों जंगे आप ही जीते हैं। देखें जी, कश्मीरियों का सबसे बड़ा जो शिकवा होना चाहिए वो आप लोगों से होना चाहिए, वो तो आजादी थे, ना आप कबायली हमला करते, ना आज ये नौबत यहाँ आती। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है उसमें 3 शर्तें हैं, मैं पढ़ाता हूँ। अंग्रेजी का कंपैरिजन करते हैं तो मैं हमेशा ही बात कहती हूँ कि अंग्रेजी का किसी की जहानत से या किसी की सोच से कोई ताल्लुक नहीं। अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है, एक जबान है। अतर आप इस बात से अग्री करेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है, जिनकी तालीमी काबिलियत बहुत ज्यादा नहीं है, जिनका आईक्यू लेवल इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह आप लंदन में रहते हैं अतर, तो वहां पे बहुत से लोग फरफर अंग्रेजी बोलते हैं क्योंकि एक लैंग्वेज है, वो गोरों को बोलता हुआ सुनते हैं तो वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो बोलते हैं। मतलब अंग्रेजी का कोई आपके आईक्यू लेवल से, आपकी सोच से, आपकी जहानत से कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है, आप अंग्रेजी को किसी की तालीमी काबिलियत या ये ना समझे कि किसी की काबिलियत है, किसी की जहानत है, कोई पैरामीटर नहीं है। जी मुझे मैं इसका जवाब देता हूँ। पाकिस्तानी मुआशरे में जो सच है वो अंग्रेजी में लिखना कुछ हद तक पॉसिबल है, उर्दू में सच लिखना जो है बेहद मुश्किल है। ठीक है, और ये शायद आपके मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है कि अगर जब तक 95% आवाम उर्दू स्पीकिंग है, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, तो हम अपना बयानियां चला सकते हैं, ये जो मर्जी इनको बता दें। खैर, लेट मी कम टू द रेजोल्यूशन नाउ। अच्छा, तो जिनको अंग्रेजी आती है, मैं आपसे पूछूंगा, फिर जिनको अंग्रेजी आती है वो समझ रहे हैं इससे पूछे कि इन्होंने बीबीसी में आजकल जो मोदी के बारे में इतनी कम परसेंटेज अंग्रेजी को समझने वाली आप अख्तर काजमी साहब, आप कह रहे थे ना कि मैं आपको सुनूंगा, अब आप सुनने की बारी साहब आपकी है, आप अपना वक्त बोलिएगा, बोले तो हम आपको जरूर सुनेंगे, लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं अरविंद जिनके चले जी आगे करें, मुझे मुकम्मल तो करने दें, यूं तो ना करें आप जी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की 3 शर्तें हैं। पहले कि पाकिस्तान विड्रॉ करेगा अपनी फोर्सेस, नॉन कश्मीरीज को सबको बाहर निकालेगा, उसके बाद हिंदुस्तान भी अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करेगा, हत्ता कि थोड़ी बहुत फोर्स मेंटेन रखेगा वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद इंटरनेशनल वॉच एजेंसीज की तहत में वहां पर रेफरेंडम होना था, तो ना पाकिस्तान ने फोर्सेज विड्रॉ की और ना ही उसके बाद में जो है वहां पे रेफरेंडम की नौबत आई। ना नॉमन तेल था, ना राधा नाची। अब आ जाते हैं आगे इसके ऊपर, आपके जो आरएसएस के जो है कि आरएसएस की रेसिस्ट आइडियोलॉजी, आरएसएस ने ये कर दिया, आरएसएस ने वो कर दिया। मुझे आप ये बताएं, दुनिया भर के अंदर आरएसएस ने कितने टेररिस्ट अटैक किए हैं? देखें जी, जितने टेररिस्ट अटैक होते हैं, सॉरी टू से उसमें से ज्यादातर जो अटैक होते हैं वो मुसलमानों की तरफ से होते हैं। दुनिया के अंदर 150 से ज्यादा तंजीमें हैं, ये अलकायदा, अल शबाब, बोको हराम, अफ्रीका तक चले जाएं आप, तालिबान, जैश ए मोहम्मद, सिपाही सहाबा, लश्कर ए जंगवी, ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी वाबस्तगी जो है, इनकी एफिलिएशन जवाब दीजिएगा, इनकी जो रो है वो कितना दहशतगर्दों को फंडिंग करती है? पाकिस्तान में जासूस भेजे जाते हैं, क्योंकि कुलभूषण कौन है, जीता जागता सबूत है, जिंदा मिसाल है।
थोड़ा सबर रखें। दुनिया में रह रहे हैं परवीन साहब। मैं सिर्फ इतना इतना कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान मतलब सबर रख सकता है कोई, लेकिन इतना झूठ कोई नहीं सोच सकता। फर्क सिर्फ ये है कि देखिए बोले चले जाएं। एक मिनट सिर्फ अरविंद, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि फर्क अरविंद एक मिनट अरविंद अरविंद एक मिनट अरविंद अरविंद सुन लेना। अरविंद आप पिछले 7 मिनट से अकेले बोल रहे हैं। मुझे 35 मिनट के प्रोग्राम में तीनों मेहमानों की राय शामिल करनी है। मैं आपको एक टाइम पे 7-8 मिनट नहीं दे सकती ना। मुझे बारी बारी सबकी तरफ जाना है। प्लीज जरा आप मौका दीजिए, आकर को मौका दीजिए प्लीज प्लीज। 7-8 मिनट से आप अकेले बोल रहे हैं, इस तरह नहीं चल सकता ना प्रोग्राम में। प्लीज आप बात को समझिए। अतर आपकी तरफ आ रही है, अपनी बारी में बोलिएगा जी। अतर